तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़े से माइनक्राफ्ट के मिस। तो इधर मैंने चेस रखी हुई, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और इन सब के अंदर मैंने एक मिथ रखा है, तो इधर 7 में ट्राई करने वाले। तो ये देखिए, ये हमारा मिथ नंबर 1 है। जैसे कि आप सबको पता है, ये इसे पाउडर स्नो बकेट के अंदर अगर जब हम जाते हैं, इसको प्लेस करके, ये देखिए हम फ्रीज होने लगते हैं। ऐसे हम फ्रीज होने लगते हैं। मैं अभी क्रिएटिव में हूँ इसलिए मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, पर मैं सर्वाइवल में गया तो मैं मर जाऊँगा। पर जब हम लेदर के बूट्स पहनते हैं तब ये देखिए हम बिल्कुल भी फ्रीज नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, तो ये पहला वाला मिथ कंफर्म हो चुका है। तो ये वाला मिथ तो कंफर्म है। इधर विच आ रही है हमारे पास, मेरे पास ट्राइडेंट है, गिर गई वो तो। तो अब सेकंड मिस के पास चलते हैं। ये देखिए, नेम टैग है एनविल और शिप्स मोनेग है। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले एनविल लेना है, नेम टैग लेना है, और आपको नेम टैग में नाम डालना है जीब, और बाद में आपको ये ऐसा डाल देना है, ऐसे ये वाला। फिर आपको ये नेम टैग ले लेना है। बाद में आपको स्पॉन करना है एक बकरी, फिर इसको नाम दे देना। ये देखिए, इसका नाम जीब है और ये कलर बदलती रहेगी। ये देखिए अपना कलर, ये बदलती ही रहेगी अब। तो सेकंड मिथ भी कंफर्म हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड मिथ की ओर। ये देखिए, ये वाला मिथ है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा वो से ये फार्म बना लेना है, तो छोटू सा अपना। ये देखिए मैंने बना लिया है। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले आपको ये करना है, फिर बाद में बताता हूँ, ठीक है? ये देखिए, तो जैसा कि आपको पता है, आप जब भी इसके ऊपर ऐसे जंप करते हो तो ये देखिए ऐसे ख़राब हो जाता है। किधर भी करो, देखिए ऐसे ख़राब हो जाता है ये। ये देखिए, मैं इधर ब्लॉक प्लेस करूँगा, ये तोड़ूँगा, फिर भी ख़राब ही होता है। तो ये तीन चीज़ों से ख़राब होता नहीं है। देखिए, सैंड, सैंड से कुछ नहीं हुआ, ग्रेवल, ग्रेवल से भी कुछ नहीं हुआ, और मेन चीज़ जो है वो उसको एनविल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, एनविल को तक तोड़ दिया इसने। तो ये मिथ भी कंफर्म है कि एनविल, सैंड और ग्रेवल से कुछ टूटता नहीं है। मेरे को ये लगा था कि एनविल से टूटेगा, मेरे को लगा था कि एनविल से टूट जाएगा, पर नहीं टूटा, इसलिए ये मिथ कंफर्म है। अब दूसरा मिथ देखते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये है, और जैसा कि आप सबको पता है, ये नेदरराइट ब्लॉक है, माइनक्राफ्ट का सबसे रेयर ब्लॉक है, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने में। जैसा कि आप सबको पता है, ब्लॉक ऑफ नेदरराइट, इसको अब मैं लावा में डालूँगा। ये देखिए, इसको कुछ नहीं होता, ये आराम से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? पर जब हम इसको कैक्टस पे रखते हैं, जब हम इसको कैक्टस के ऊपर फेंकते हैं, तब ये देखिए ये गायब हो जाता है। तो ये मिथ भी कंफर्म हो चुका है कि कैक्टस के ऊपर नेदरराइट फेंकने से वो जल जाता है। तो ये वाला मिथ भी कंफर्म हो चुका है, तो ये रख देते हैं। अब अगला मिथ देखते हैं। ये देखिए, तो एनविल है, फर्स्ट वॉल्कर है, और नेदरराइट के शूज़ है। आपको सबसे पहले एनविल घर रखना है, शूज रखने, और ये लेना है, बाद में आपको ये पेन लेना है। फिर अगर आप पानी में जाओगे, आप पानी में गिरोएगी नहीं। ये देखो, जिधर भी आप जाओगे उधर आइस हो जाएगा। ये देखिए, देखिए बाद में ऐसा आइस अपने आप टूटेगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैं इधर आके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ऐसा टूटना शुरू हो जाएगा।
तो इससे आप दूर दूर तक ओशन तक ट्रैवल कर सकते हो। तो ये इमेज भी अच्छा है, इसको रख देते, ये इमेज भी कंफर्म है, इसको रख देते। ये वाला कर लिया ना हमने, हाँ कर लिया। तो पगला मित ये मेरे को बहुत पसंद आया है। इसमें आपको दरअसल करना क्या है, ये मेरा वाला बेड है, मैं इस पे नहीं करूँगा, मेरे को इस वाले बेड पे करना है। ऐसे नहीं, ऐसे रखना है बेड, ठीक है, ऐसे रखना है बेड। बाद में आपको इसके कॉर्नर कॉर्नर से आपको डॉट हटाते जाना है, से डॉट हटाने हैं आपको। तो देखिए कुछ ऐसे है यार, स्पॉन पॉइंट फिलहाल उस वाले बेड पे सेट है। तो जब भी आप हटाएंगे ऐसे डॉट्स, तो इसके नीचे का भी आपको तोड़ देना है। फिर एक दो तीन सारी ऑर्डर्स बिछानी है, बाद में माइनक्राफ्ट रखनी है। फिर आपको माइनक्राफ्ट में बैठ जाना है, रुकिए ये देखिए आगे की ओर चलते हैं। ये वाला तोड़ देते हैं माइनक्राफ्ट इधर पे, जैसे ही आप इधर आओगे ये देखिए आपको ऐसा लगता है कि आप बेड के अंदर घुस चुके हो। बाहर आने के लिए आपको सिंपली ऐसा करना होता है, माइनक्राफ्ट आपको बाहर लाएगी। ये देखिए माइनक्राफ्ट के ऊपर बेड ऐसा दिखता है, देखिए पीछे जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मित मेरे को बहुत पसंद आया है। ये वाला मित भी अच्छा है छुपने के लिए, और आप सुबह में भी बेड में जा सकते हैं। तो लास्ट में ट्राई करते हैं हमारा जो लामा है और ग्रे कारपेट है। सबसे पहले आपको एक लामा को स्पॉन करना है, जो बेबी लामा स्पॉन हो गया। फिर मैं इसके ऊपर बैठूंगा और इसके पहले टेम करूंगा, ये मेरा दोस्त नहीं बन रहा है, देखिए बन गया दोस्त। जैसे ही आपका दोस्त बनेगा आपको इसके ऊपर ग्रे कारपेट रख देना है। तो आप इसके ऊपर से उतर जाना है। तो ये देखिए इसके पास गॉगल आ चुके हैं। ये देखिए ऐसा ये कारपेट तो आ ही जाता है इसके बैक के ऊपर, पर ये देखिए गॉगल भी आ चुका है इसको। तो यही था हमारा आखिरी मिथ, जैसे कि आपने देखा ये हमारा आखिरी मिथ था। तो आपको ये सब मिथ कैसे लगे मेरे को कमेंट्स में बताइए, और आपका फेवरेट मिथ कौन कौन सा था इन सातों मिथों से वो बताइए, आपका फेवरेट कौन सा था। मेरा फेवरेट तो ये वाला है, ये बेड वाला बहुत पसंद आया मेरे को, ये बेड वाला। इसमें सिर्फ ऐसा करने का, माइनक्राफ्ट को रखने का, माइनक्राफ्ट को आपको इधर रखना है बीच में, इसमें राइड करने का। ये देखिए ये ऐसे आप रहोगे, ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए मैं तो फंस ही गया था, क्योंकि ये देखिए माइनक्राफ्ट ऐसे भी चलती है। तो ये वाला मिथ मेरे को बहुत पसंद आया है, मेरा फेवरेट पेड़ वाला मिथ है। आपका फेवरेट कौन सा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।